सगळे आपला जावई काय करतो तो करतोय आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली काय सुखापूर मध्ये होतंय ते पाहण्यास मोह गुणाचे विपुर भावे डोह
सांग कस मनातल सांगाव तुला अधीर झालो तुझ्या दिसण्याने बेभार झालो तुझ्या हसण्या जगन है प्यार झाले जगन है प्यार झाले।
तुझा चांद राती तुझा
Yeah.
झालं तुझ्या हसण्याने तू देणार इंट्रोडक्शन सर्वप्रथम माझा नमस्कार सर्वांना. मी माझी ओळख करून देते. माझं नाव सिद्धी गुरव. मी वसईवरून आली आहे. माझा कंटेस्टंट नंबर आहे 1. मला डान्स मॉडेलिंग या क्षेत्रात खूप आवड आहे. मी लोकांना इतकंच सांगू इच्छिते की कधीच कोणी कोणालाही त्याचं हाईट, त्याची रंग, त्याच्या साईजवरून कधीच कोणालाही जज करू नये. कारण प्रत्येकाचं टॅलेंट, प्रत्येकाचं असणारं त्याच्या आतमधलं कॉन्फिडन्स हा मॅटर करतो. हेच दाखवून देण्यासाठी मी आज या मंचावर आले आहे. मी अशी इच्छा करते की तुम्ही मला सपोर्ट कराल. धन्यवाद. नेक्स्ट लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. गुड इवनिंग जेरी एंड ऑल टू प्रेजेंट हियर टुडे. आई एम कीर्ति सिंह फ्रॉम कलमबोली. I'm 19 year old and I'm medical student. Modeling it's my passion, that's why I'm standing here today. And I want to become a supermodel. I'm contestant number 2. Thank you. She is the doctor and she is the performer. Thank you. Number 3. Ha ha. Tono Pudeya. Pudeya to नमस्ते जजिस. नमस्ते सुखापुर रहवासियों. मेरा नाम है काजल चावड़ा. मैं मुंबई की रहने वाली हूँ. मेरा कंटेस्टेंट नंबर 3 है. लोग खुद पे इंडिपेंडेंट रहे, किसी और पे डिपेंडेंट ना रहे फाइनेंशियली और मेंटली. उस चीज़ के लिए मैं बिजनेस एडवाइज़र हूँ और फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ. स्पेशली महिला ही है जो बिजनेस में आगे बढ़े और फाइनेंस में भी आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे. उसके साथ साथ मैं मॉडलिंग भी करती हूँ, मैं डांस भी करती हूँ, मैं डांस सिखाती भी हूँ और मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ. मैं कॉमेडी वीडियोस बनाती हूँ और मैं फैशन रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट नाइट. थैंक यू. यू आर द बिजनेसमैन एंड यू आर द मॉडल आल्सो. नेक्स्ट नंबर 4. सर्वात प्रथम सर्वांना जय महाराष्ट्र. माझं नाव स्नेहल पवार. माझा स्पर्धा क्रमांक आहे 4. माझ्याबद्दल 2 शब्दातच सांगेन. भारत मातेची लेख मी. स्नेहल माझं नाव. राहणारी पनवेल. नाशिक माझं गाव. रंगमंचाचे कलाकार आम्ही. अभिनय आणि नृत्य आमचा छंद. येथे जमलेल्या सर्व रसिक प्रेक्षकांना आणि परीक्षकांना माझा मानाचा नमस्कार. हेच माझं म्हणणं, हेच माझं म्हणणं. बाय प्रोफेशन मी ग्रॅज्युएट आहे. सध्या मी SBI होम लोनमध्ये वर्किंग आहे आणि मॉडलिंग हे माझं पॅशन आहे म्हणून मी आज तुमच्यासमोर उभी आहे. धन्यवाद. थँक यू मॅडम. नेक्स्ट नंबर 5. सर्वप्रथम नमस्कार. उपस्थित प्रेक्षक आणि परीक्षक तुम्हाला सर्वांना माझा मनापासून आभार. माझी ओळख करून देईन थोडक्यात. मुंबईला राहते मी. मालवण माझं गाव. मुंबईला राहते मी. मालवण माझं गाव. एक्सप्लोअर करत राहणं हेच माझ्या जीवनाचे भाव. शिक्षिका माझं प्रोफेशन. विद्यार्थ्यांसाठी माझी धाव. भाडगुतांची लेख मी. तनुजा माझं नाव. धन्यवाद. व्हेरी गुड परफॉर्मन्स. नेक्स्ट नंबर 6. नमस्ते जजेस. नमस्ते ऑल. मी नागपूरमधनं आलेली आहे. मुंबईला राहते आणि माझं आई बाबाचं स्वप्न पूर्ण करायला मी आलेली आहे. आणि त्याचं स्वप्न होतं तर मी ती ह्या टेस्टला घ्यायला पाहिजे. त्यामुळे आई बाबाच्या स्वप्नासाठी मी इथे आलेली आहे. माझं लहानपणापण स्वप्न होतं की मी डान्स शिकावं, ॲक्टिंग शिकावं, पण मी नाही करू शकले काही कारणामुळे. पण आज जे मला मौका मिळालेला आहे इथे यायचं, तर मी पूर्ण प्रयत्न करणार. मी आपल्या 100% देण्याचं. बस तुमच्या आशीर्वादाची गरज आहे मला. तुमचा आशीर्वाद असतो माझ्यासोबत आणि मी पुढे राहू. धन्यवाद.
संपूर्ण महाराष्ट्र या ठिकाणी त्याला आलेले आहेत. नंबर सेवन सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाए, सपने तो वो होते हैं जो कभी सोने ना दे. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग माय डियर जजेस. मेरा नाम उमेरा शेख है और मैं कामोटे नवी मुंबई की रहने वाली हूँ. बाय प्रोफेशनल मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और साथ ही साथ मैं एक यूट्यूबर और फूड ब्लॉगर हूँ, जहाँ पे मैं लाइफस्टाइल रिलेटेड ब्लॉग्स बनाती हूँ. मैं हार्डवर्क पे बिलीव करती हूँ, क्योंकि हार्डवर्क एक ऐसी चीज़ है जिससे आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो. मुझे मॉडल नहीं रोल मॉडल बनना है. थैंक यू. शुभ संध्याकाळात परीक्षक आणि इथे उपस्थित असलेले प्रेक्षक, शिवरायांची एक शिकवण आहे, राज्य छोटे का असेना पण स्वतःचं असावं, म्हणून स्वतःचं अस्तित्व निर्माण करा. त्यासाठी आपण मेहनत केली पाहिजे, तेव्हा जग आपला आदर करेल. रिस्पेक्टेड जजेस, ज्या शिवरायांचे आपले आराध्य दैवत आहेत महाराष्ट्राचे, त्या महाराष्ट्रात राहणारी मी 22 वर्षीय कन्या कंटेस्टंट नंबर 8 गौतमी भास्कर करत, मी एक IT इंजिनियर असून लहानपणापासूनच मला ॲक्टिंग, मॉडेलिंग, डान्सिंग, सिंगिंगची आवड आहे. त्यासाठी मी आज या क्षेत्रात सुद्धा कार्यरत आहे. ते म्हणतात ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. याच आत्मविश्वासाने मी आज प्रत्येक जग प्रत्येक क्षेत्रात कार्यरत आहे, कारण मला माझ्या फॅमिलीच्या डोळ्यांमध्ये एक स्पार्क दिसतो. तो स्पार्क मला माझा आत्मविश्वास वाढवतो, मला त्या ठिकाणी पोचवतो ज्या ठिकाणी मला जायचं आहे. माझं आयुष्यात एक स्वप्न आहे की मी स्वतःला इंडियासाठी रिप्रेझेंट करावं. त्या इंडियासाठी रिप्रेझेंट करण्यासाठी आज मी इथे सुकापूर गावात मी सुकापूरच्या पेजंटसाठी उतरली आहे. ही माझ्यासाठी पूर्ण फुलाची पाकळी नसताना एक मोठं स्टेप आहे. थँक्यू. सृष्टी पाटील माझं नाव. नमस्कार, मी सृष्टी पाटील, मी अलिबाग येथून आली आहे. मला मॉडेलिंग या क्षेत्राची खूप आवड आहे आणि मला या क्षेत्रामध्ये खूप करिअर करायचं आहे, पुढे जायचं आहे. मला माझ्या आई वडिलांचं स्वप्न पूर्ण करायचं आहे आणि माझं स्वतःचं पण. माझा कंटेस्टंट नंबर 9. थँक्यू. प्रेक्षकांना विनंती आहे की याचे काही प्रेझेंट करतात डॉक्टर इंजिनियर्स आणि छत्रपती शिवरायांचं पदस्पर्शनी पावन भूमीतून जन्म झालेली आईने ज्ञान सेवनकर. माझं स्वप्न एक मॉडेल बनायचं आहे. मी एक डान्सर आहे. माझं कंटेस्टंट नंबर 10. थँक्यू. नमस्कार सर्वांना, माझं नाव सुरभी उदयवरकर. समुद्राच्या किनारी असलेल्या गड किल्ल्यांनी वेढलेल्या महाराष्ट्राचा मिनी गोवा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अलिबाग शहरातून मी आली आहे. बाय प्रोफेशन मी एक फॅशन डिझायनर आहे आणि फॅशनच्या क्षेत्रात मी गेल्या 5 वर्षापासून रायगड नगरीतली शिवशंभूंच्या रायगड नगरीतली अलिबागची मी कन्या शिवशंभूंच्या रायगड नगरीतली अलिबागची मी कन्या लेक मी अलिबागची मुलगी मी आगरी कोळ्याची. नमस्कार, माझं नाव सोनाली वैते. मी अलिबागहून आली आहे. मी बाय प्रोफेशन ॲज अ ऑपरेटर म्हणून MSCBमध्ये कार्यरत आहे. त्यासोबतच मी माझं पॅशन जपण्याचा प्रयत्न करते आणि सोबतच मला सिंगिंगची आवड आहे. सिंगिंगमधून आणि मॉडेलिंगमधून मला स्वतःला एक्सप्रेस करण्याची सवय लागली आहे, किंवा स्वतःला मी एक्सप्रेस करते, आनंदी राहते. तर त्यामुळे थँक्यू जजेस आणि या शोसाठी खरंच थँक्यू की आम्हाला संधी मिळते स्वतःला एक्सप्रेस करण्याची. थँक्यू सो मच. बंधूनो, या ठिकाणी 12 परफॉर्मन्सने आपला परफॉर्मन्स सादर केलेला आहे. 13वी या ठिकाणी परफॉर्मन्स सादर केला असल्याचं आपल्या पुढे येत आहे प्रेझेंट. सबसे पहले यहां आए हुए सभी लोगों को और मेरे आदरणीय जजेस को मेरा नमस्ते. हर पल मुस्कुरा कर जीना मेरा काम, हर पल मुस्कुरा कर जीना मेरा काम. नवी मुंबई कामोठे की रहने वाली हूँ मैं
रानी जायसवाल मेरा नाम, कंटेस्टेंट नंबर 13। मैं 18 ईयर्स की हूँ। मॉडलिंग ये मेरा पैशन है और मैं मेरे पैशन को हमेशा एक नई उड़ान देने की बेहद कोशिश करती हूँ। आज मैं यहाँ आई हूँ ताकि लोग मेरे नाम से मेरे टैलेंट को नहीं, मेरे टैलेंट से मेरे नाम को जाने। मेरा सबसे बड़ा सपना है इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना, क्योंकि मुझे लगता है मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो अपनी किस्मत पर नहीं अपनी मेहनत पर यकीन रखती है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट नाइट अहेड। I'm not afraid to die.
Thank you.
फेस्टिवल देवल होना है जितेंद्र मैडम के हस्ते जाकर तनावासी विनती रमेश सरवणा करते सुख चाकने साहेब काले आते हो कल टाइम नहीं है टाइम नहीं सुख चाकने साहब का सत्कार आदिति ये आर्टिस्ट नाथ खोड़ा I'm not afraid to die.
अय्या प्रसाद पिंगळे सुखापूरचे आपले आर्टिस्ट चेतन केनी पाटील मॅडम या ठिकाणी गुच्छ आणि हजारो रुपयाची बक्षिस या ठिकाणी दिली जात आहेत. ही गुणी कलाकार आहे. या नव दाम्पत्यांना आपल्या परिवारामध्ये सन्मानित करत आहोत. अभिनंदन आपलं.
बड़ी बुम्बार Oh,
Thank you.
या सुंदर लावणी साठी तकदीर टूटी जाए आस्तियाँ
कंटेस्टेंट नंबर एक अपन पुढे यायचं. मला सांग तुझं रोल मॉडेल कोण आहे आणि का? माझं रोल मॉडेल माझी आई आहे, कारण तिच्या इतकं माझ्यासाठी तरी माझ्या लाईफमध्ये तरी तिच्या इतकं इम्पॉर्टंट कोणीच नसेल मला. ओके. हिंदी आता आहे ना? एक सेकंड. हिंदी समझती है? अच्छा, आपका ऑल ओवर परफॉर्मेंस अच्छा था, लाइक ट्रेडिशनल इंट्रो भी आपका काफ़ी अच्छा था, रेट्रो भी अच्छा था. अब मुझे ये बताओ, आपको क्या ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है एज अ फैशन इंडस्ट्री की? मुझे कॉन्फिडेंस, मतलब मेरे जो ऐसे अभी फॉर एग्जाम्पल हरनाथ संधू, इनका कॉन्फिडेंस, इनका एटीट्यूड, वो मुझे बहुत. अच्छा, तो उनका कॉन्फिडेंस आपको ज्यादा मोटिवेट करता है, और ऐसी कोई चीज है आपको और ज्यादा मोटिवेट करती है? मेरी मम्मी. अच्छा, मेरी फैमिली मुझे ज्यादा मोटिवेट कर रही है, इसलिए मैं आज यहाँ खड़ी हूँ. थैंक यू. गुड गुड. ओके, थैंक यू. अच्छा काजल, मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको इन फ्यूचर अपॉर्चुनिटी मिलती है कोई अच्छी, ठीक है, लाइफ में, जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स को छोड़ना, आपको छोड़ना पड़े उनको, तो आप उनको छोड़ोगे अपॉर्चुनिटी के लिए? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन सर. सर, लाइफ में मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ूंगी नहीं सर, मैं करूँगी. क्योंकि फ्रेंड्स तो मैं उनको मना लूँगी सर, मेरे फ्रेंड्स तो ऑफकोर्स मुझे छोड़ के नहीं जाएगी, मेरी ट्रू फ्रेंडशिप है उनसे. ऑफकोर्स मैं उनको मनाऊँगी, उनको समझाऊँगी, और वो मुझे समझेंगे. जो भी मेरी फ्रेंड रहेंगे मुझे सपोर्ट करेंगे, ना कि मुझे छोड़ के जाएंगे, तो वो मुझे सपोर्ट करेंगे, तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को अपनाऊँगी. थैंक यू सो मच सर. ओके. तुला हे पेजंट का जिंकायचं? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन मैम. मुझे पेजेंट मैम इसलिए जीतना है मैम, कि मुझे लोगों को ये बताना है मैम कि हाइट, साइज, कलर कोई मैटर नहीं करता अभी. ओके, मेरी जो हाइट है वो ऑफकोर्स मॉडलिंग के लिए नहीं है, बट मैं यहाँ पे खड़ी हूँ करने के लिए. कॉन्फिडेंस सपोर्ट है मुझे यहाँ पे, इसके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं जीत सकती हूँ यहाँ पे. मैंने यहाँ पे पूरा अपना लाइक टैलेंट दिखाया है, मैंने यहाँ पे वॉक किया, बहुत कुछ सारी चीज़ें देखी है, मेरा कॉन्फिडेंट है, इसलिए मैं ये जीत सकती हूँ मैम. थैंक यू मैम. Hello. Hi ma'am. What will you do if you win this title?
इफ आई विन दिस टाइटल तो मैं ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊँगी मेरी लाइफ में, क्योंकि और एक तो मैं कुछ तो मेरी लाइफ में जीती हूँ, तो उसके बेस पे मैं और कॉन्फिडेंट मेरा बढ़ जाएगा, तो और पेजेंट्स में कर सकती हूँ। अगर मैं फेल हो गई तो थोड़ा बहुत मैं लूज पड़ जाऊंगी, पर अगर हाँ ट्राई तो वैसे भी करूंगी मैं, पर अगर जीतती हूँ तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा, ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊंगी मैं, और भी कुछ करूंगी लाइफ में, वैसे भी करूंगी अगर फेल भी हो जाऊंगी तो नॉट एन इशू। थैंक यू मैम। आप फेलियर को कैसे हैंडल करते हो? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। फेलियर को मैं मतलब नर्वस तो नहीं हो जाऊंगी, मैं सोचूंगी कि ठीक है इस बार नहीं मिला, नेक्स्ट टाइम तो मिल ही जाएगा, उसके बाद भी नहीं मिला फिर भी मैं नेक्स्ट स्टेप चढ़ती जाऊंगी, कभी तो मुझे सक्सेस मिल ही जाएगा। आप अभी नर्वस हो? नो आई एम नॉट। और आप फेलियर अगर इनकेस आ भी जाता है आगे लाइफ में, yes. तो आप लाइक आपका माइंडसेट क्या रहता है कि नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा करना है कि कैसे? उससे भी बेस्ट देना है मेरा मुझे। ठीक है, अच्छा, थैंक यू सो मच। तुझ्या अपयशाने तुझ्या यशामध्ये कशी मदत केली आहे तुला? अपयशामुळे मी ॲक्च्युली जास्त मोटिवेट होते आणि त्यामुळे मी नेक्स्ट पायरी चढू शकते माझ्या यशाची, त्यामुळे मी मोटिवेट होते। अपयश जर मिळालं तर जास्त मोटिवेट व्हायला होतं, नेक्स्ट पायरी चढायला मला जास्त मी मजबूत होते त्यामुळे। ओके, थँक्यू। आपका ट्रेडिशनल में परफॉर्मेंस अच्छा था। थैंक यू सो मच सर। ऑल्सो आपके बारे में गुड क्वालिटीज बताओ। गुड क्वालिटी वैसे तो बहुत सारी है, बट एक मैं बताना चाहूंगी जो मुझे खुद को बहुत ज्यादा पसंद आती है, पण जर मैं ऐसा मराठी तुम उत्तर दिल तर चालेल। थैंक यू सो मच। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आम्ही गेले दोन दिवस खूप 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 मेहनत करून प्रैक्टिस करतो, पण मला माहिती आहे माझ्यामध्ये एक टॅलेंट चांगला आहे, ते म्हणजे या प्रत्येक मुलीकडून मी एक छोटी ना छोटी गोष्ट शिकली आणि मी त्या तिथे परफॉर्म करून दाखवली, तर मला असं वाटतं की हे टॅलेंट माझ्यामध्ये खूप जास्त चांगलं आहे की मी लोकांकडून शिकते आणि ते माझ्या लाईफमध्ये इम्प्रूव्ह करायचा प्रयत्न करते। थँक्यू सो मच। तरी मी एका एक गोष्ट विचारली होती की तुमच्याबद्दल गुड क्वालिटीज काय आहे, म्हणजे एखाद्य क्वालिटीज तुम्ही सांगू शकता ते तुम्हाला आउट ऑफ द बॉक्स बनवतात त्यांच्याशी तुमच्याबद्दल गुड क्वालिटी? माझ्याबद्दल एक गुड क्वालिटी मी सांगते पुन्हा एकदा, सो मी लोकांकडून बघून शिकते आणि माझ्या आयुष्यामध्ये ते इम्प्लिमेंट करण्याचा प्रयत्न करते। ॲज अ टीचर मी शिक्षिका आहे, जसं मी सुरुवातीला म्हटलं होतं, जसं लोकांना शिकवायला मला आवडतं तसंच मला स्वतःला शिकून स्वतःला इम्प्रूव्ह करायला आवडतं। ओके, सो यू आर अ क्विक लर्नर? यस आय एम। ओके, थँक्यू। मोस्ट वेलकम। थँक्यू। हॅलो मॅम। हॅलो, हाय। ऐसी क्या एक चीज है जो आपको पसंद आती है फैशन इंडस्ट्री के बारे में? मुझे डांस, एक्टिंग और फैशन अभी तो मुझे पसंद ही है, बचपन से ही पसंद था मुझे। ओके, और आप किससे इंस्पायर होते हो? मम्मी पापा से। मम्मी पापा ये जो मुझे यहाँ तक लेकर आए। किसी एक को चूज करना हो तो? नहीं, मैं एक को चूज नहीं करती, दोनों को कर सकती हूँ। अच्छा। हाँ। मॉडेलला प्रत्येक वेळी चांगलं दिसणं महत्त्वाचं असतं का? हो, चांगलं दिसणं प्रश्न विचारला, मॉडेलला प्रत्येक वेळी चांगलं दिसणं महत्त्वाचं आहे का? हो, महत्त्वाचं आहे, कारण की ती तिचं जे पण क्वालिटी असते तिच्या पर्सनॅलिटी वर राहते डिपेंड, की ते सुंदर दिसते त्यावर तिच्या डिपेंड राहते की ते या स्टेजवर काम करू शकते, त्या टीमवर समोर जाऊ शकते। सुंदरता सर्वात महत्त्वाची। अच्छा, आणि सुंदर नसेल तर ती कुठलाच पेजंट जिंकू नाही का शकत? नाही, सुंदर तर नाही राहिलं तरी पण ती जिंकू शकते आपल्या टॅलेंटच्या बद्दल। टॅलेंट आणि सुंदरता ही दोघंही महत्त्वाची असते या फिटमध्ये।
मी तेच तुला विचारलेलं की मॉडेलला प्रत्येक वेळी सुंदर दिसणं महत्त्वाचं असतं का? असते पण आणि नसते पण. ओके ओके थँक्यू. हेलो हेलो मैम, अभी आपको पता है सब तुम लड़कियाँ हो, ठीक है? तो लड़कियों में ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं, तो तुम क्या चेंज लाओगे एज अ गर्ल सबके लिए? ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन मैम. हाँ, लड़की हो लड़का, सबके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. इवन यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ आई हैं उन सबकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है. पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे तो आपको सक्सेस कभी नहीं मिलेगा. मेरा क्वेश्चन ये है कि उस चीज़ को चेंज कैसा करो. ओके, थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन मैम. अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, या फिर अगर आपकी हाइट कम हो, या फिर अगर आप खूबसूरत नहीं दिखते हो, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ये सोचोगे कि मेरी हाइट कम है और मैं घर पर बैठूँ, तो ऐसे तो आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते. मुझे ऐसे लगता है कि इंसान को खुद से सीखना चाहिए कि मैंने कल क्या किया था और आज मैं क्या करूँगा. इंसान अपनी गलतियों से सीखता है. और मेरे लिए ये मानना है कि हर एक लड़की को यहाँ पे यही सोचना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम्स आज है कल नहीं. आज की हमारी प्रॉब्लम कल का हमारा सक्सेस होगी. तो अगर हमको कोई खुद से हम मोटिवेट हो सकते हैं, हमें कोई दूसरा यहाँ पे आके मोटिवेट नहीं करेगा कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है. हमें खुद से सोचना होगा कि अगर हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करती तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फैमिली को छोड़ दो. आप आपकी फैमिली को सपोर्ट करके यहाँ पे आ सकते हो. यहाँ पे मेरे फैमिली से कोई नहीं है. इवन आज तक मैंने जितने भी शोज़ किए हैं, मेरी फैमिली से आज तक कोई भी नहीं आया. स्टिल मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ. मैं हार के भी घर पे गई हूँ और जीत कर भी घर पे गई हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे आई हूँ. तो मेरा ऐसा मानना है कि हर लड़की को सीखना चाहिए. इवन आज मेरी लाइफ का सबसे बुरा दिन है. मैं शायद एक्सप्लेन भी नहीं कर सकूँ इतना बुरा दिन, क्योंकि आज मेरे डैड की डेथ को 2 साल हो गए. और अगर मैं वो सोच के घर पर बैठती कि समाज क्या कहेगा, समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो शायद आज मैं कमरे में दरवाज़ा लॉक करके रो रही होती. बट मैंने वो नहीं किया. मैं उठ के यहाँ पे आई और मैंने यहाँ पे आके परफॉर्म किया और मैं यहाँ पे स्माइल कर रही हूँ. भले ही मैं बैक स्टेज रोई हूँ, बट मैं यहाँ पे सबके सामने प्राउडली स्माइल कर रही हूँ. इसका मतलब ये नहीं कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है. बहुत सी प्रॉब्लम है, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती इतनी सारी है. बट मैं ओवरकम करके यहाँ पे आई हूँ. सो मैं हर लड़की को यही बोलूँगी, प्रॉब्लम्स आज है कल नहीं, सक्सेस जिंदगी भर रहेगा. थैंक यू. सक्सेस की बात आती है, डिफाइन क्या करती हो सक्सेस को? मेरे हिसाब से सक्सेस मतलब मनी नहीं होता है. सक्सेस मतलब ये होता है कि आप फ्यूचर में एक सक्सेसफुल लाइफ जीते. जो सपने मैंने आज देखे, आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं सुखापुर का क्राउन देख कर जाऊँ, और कल मैं वो क्राउन पहन के अपने मिरर में देखूँ और मैंने बोलूँ कि यस मैंने सपने पूरे किए. मेरा एक ही सपना है कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊँ तो जब मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने कोई भी चीज़ छोड़ दी है पीछे. वो सारी चीज़ जो हम पूरी करना चाहते हैं वो सक्सेस है. लोगों का ऐसा मानना है सक्सेस मतलब बहुत सारा मनी होना, बहुत अच्छे से लग्जरी लाइफ होना. मेरे हिसाब से वो सक्सेस नहीं है. मेरे हिसाब से ऐसा मुझे लगता है कि एक छोटी सी चीज़ क्यों ना हो. इवन अगर आज यहाँ पे मैं क्राउन जीत के जाती हूँ, या कल को मेरी लाइफ में कोई छोटी सी भी खुशी होती है, मैं उसको सेलिब्रेट करती हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है हर छोटा सक्सेस बड़े सक्सेस को बुलाता है. ओके, थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. अपने बारे में कुछ बताओ थोड़ा. थैंक यू सर. क्वेश्चन नहीं है, शायद मेरे ही बारे में पूछा है तो मैं बता रही हूँ. मेरा नाम है गौतमी भास्कर भरत. मैं एक IT इंजीनियर हूँ और बचपन से ही मुझे एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग की बहुत पैशन है. मराठीतून आंसर दिला तर चालेल, हिंदीमध्ये थोडा प्रॉब्लेम आहे. तर मला आवड आहे आणि मग त्यासाठी मी लहानपणापासून प्रयत्न करते. आणि मी आज या मॉडेलिंगच्या क्षेत्रात पण उतरले आहे. मला इंडियाला, जसं मी इंट्रोडक्शनमध्येच सांगितलं की मला स्वतःला इंडियासाठी रिप्रेझेंट करायचं आहे, हे माझं सर्वात मोठं स्वप्न आहे. तुम्ही पुढे स्वतःला कुठे बघता? थँक यू सर क्वेश्चन विचारल्यासाठी. मी स्वतःला एक, मी असं नाही म्हणत आहे की मी एक सुपर मॉडेल होईल किंवा प्रियांका चोप्रासारखी फेमस मॉडेल होईल.
मी स्वतःला एक पुढे जाऊन एक सक्सेसफुल वुमन म्हणून बघते. असं नाही की माझे स्वप्न पूर्ण झाले तरच मी सक्सेसफुल होईल. माझं मत असं आहे की आपलं मन कसं आहे. खूप जण खूप पुढे जातात पण काय फायदा, त्यांच्याकडे पैसा खूप असतो काय फायदा, पण त्यांचा प्रॉब्लेम असा आहे की त्यांचं मन चांगलं नाही आहे, कोणाशी नीट वागत नाही. तर माझं म्हणणं असं आहे, आपण कसंही असो, कुठल्याही थराला असो, वर असो खाली असो, पण आपण आपलं मन चांगलं ठेवलं पाहिजे, सगळ्यांशी व्यवस्थित वागलं पाहिजे, तर आपण सक्सेसफुल खरं आहोत. आणि मी पुढच्या काही वर्षात मी स्वतःला असंच बघते की मी सगळ्यांशी एकमताने प्रेमाने राहे. अगर तुझे इंजीनियर है नहीं, तो अगर तुझे करियर बनाने मम्मा पापा बोले कि करियर बना तू, ये पैशन ऐसा मत कर, तो तू क्या करेगी, दोनों में से क्या चूज करेगी? थैंक यू मैम क्वेश्चन पूछने के लिए. एक्चुअली सच बताऊँ तो मेरे घर में अलाउड नहीं था मॉडलिंग करना, बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, क्योंकि मैं एक घर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और घर में अलाउड नहीं था. लेकिन मैंने जिद नहीं छोड़ी अपनी, बहुत पेजेंट किए, उसमें हारी हूँ जीती नहीं ही हूँ, लेकिन फिर भी घर वाले करने नहीं देते, फिर भी मैं इट्स ओके डोंट क्राई. इट्स ओके. फिर भी मैं आज यहाँ पे मिस सुखापुर के स्टेज पे खड़ी हूँ और मेरे घर वाले यहाँ मेरे सामने है. तुझ्या जीवनामधला सर्वात महत्त्वाचा धडा कोणता आहे? माझ्या जीवनातला सर्वात महत्त्वाचा धडा म्हणजे सक्सेस. सर्वात महत्त्वाचं हे असतं की आपण जेव्हा हरतो तेव्हा आपण शिकत असतो, तर प्रत्येक गोष्टीतून आपण हरतो तेव्हा शिकलं पाहिजे, चांगल्या चांगल्या गोष्टी नवीन आपल्यातला इम्प्रूव्हमेंट केला पाहिजे. मी विचारलं तुझ्या जीवनातला सर्वात महत्त्वाचा धडा कुठला आहे, म्हणजे आत्तापर्यंत जे लाईफ जगली आहेस त्याच्यामध्ये असा तुझा कुठला एक्सपिरियन्स होता जो आत्तापर्यंत तुझ्या लक्षात आहे? माझ्या हे लक्षात आहे की मी ट्राय कर. आठवत असेल ना की आतापर्यंत असं काय वाईट घडलंय किंवा काय चांगलं घडलंय ते आतापर्यंत तुझ्या लाईफमध्ये तुझ्या लक्षात राहिलंय? जसं की प्रत्येक मुलीचं स्वप्न असतं मॉडेल बनायचं आहे, प्रत्येक फॅमिलीतून सपोर्ट नसतो मुलींना की शॉर्ट कपडे घाल की आणखीन काय की पुढे जा त्याच करिअर कर त्यामध्येच मॉडेलिंगच्या, तोच धडा आहे माझ्यासाठी महत्त्वाचा की मला सपोर्ट नाही आहे घरून, तरी पण मी या स्टेजवर उभी आहे. तर त्याचं मला खूप वाईट वाटतं की त्यांनी सपोर्ट केला पाहिजे आणि आज पण माझं इथं कोणीच नाही आलेलं आहे. हिंदी आधी आहे मराठी. असे काय चांगले क्वालिटीज सांग तुझ्याबद्दल जे तू म्हणजे तुला स्टँड आउट करतात बाकीपेक्षा. मी प्रत्येक गोष्ट हारून सुद्धा मी परत पुण्याने नव्याने प्रयत्न करत असते कोणत्याही गोष्टीसाठी. जसं की मी शो केले होते आधी तीन, त्यामध्ये मला टायटल मिळाला होता. कुठले शो केले? मी रायगडचा केला होता, द्रोणागिरी केला होता आणि रसायनी शो केला होता. त्यामध्ये मी विनर तर नाही झाली, त्या क्वालिटीज नसतील कदाचित माझ्यात, पण मी खूप सारे प्रयत्न केले त्या गोष्टींसाठी. ठीक आहे, थँक्यू.
सबसे ज़्यादा मोटिवेट कौन करता है आपको? थैंक यू फॉर क्वेश्चन. मराठी बोलते चालेल. माझी मम्मी मला खूप मोटिवेट करते. ती स्वतः एक मॉडल आहे. ती मला नेहमी पुढे नेते. मला नेहमी ती तिच्यापेक्षा जास्त उंच स्टेपवरती मला बघते. माझी प्रत्येक मदत करते. मला खूप चांगली रेडी करते. आणि थँक्यू मम्मी. थँक्यू. काय सॅक्रिफाईस केलं तुम्ही ह्या शोसाठी? म्हणजे तू इथे यायसाठी काय सॅक्रिफाईस केला आहे? तसं तर खूप छोट्या छोट्या गोष्टी सॅक्रिफाईस केलं आहे. असं खूप काही मोठं नाही केलं आहे. मम्मी सपोर्ट करते म्हणून. मम्मी सपोर्ट करते तर काही सॅक्रिफाईस करायला लागत नाही. ओके थँक्यू. पुढे काय प्लॅन्स आहेत तुमच्या? ॲक्च्युली माझ्या मम्मी पप्पांचं ड्रीम आहे मी फ्लाईट अटेंडंट बनू. तर जे माझ्या मम्मी पप्पांचं ड्रीम आहे माझं पण आहे. तर मी मला ॲज अ एअर होस्टेस बघते आणि मी खूप ट्राय करते. थँक्यू. फॅशन आणि फॅशनमध्ये काय डिफरन्स आहे? फॅशन हे आहे की आपल्याला जे आवडतंय ते आपण दुसऱ्यांसमोर सादर करणे आणि आपली मर्जी राखून आपण ते करणे. फॅशन हे नवीन नवीन येत राहतं. फॅशनचं डेफिनेशन म्हणजे न्यू स्टाईल. ओके थँक्यू. हॅलो, आपका नाम क्या है? सुरभि. ठीक है, आपके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज बताओ. इंटरेस्टिंग? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन सर. सॉरी. इंटरेस्टिंग चीज़, मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ. मुझे कपड़े लोगों के लिए कपड़े बनाना बहुत अच्छा लगता है. और अगर इधर जितने भी कंटेस्टेंट है उनके मतलब उनका जो भी है उनका ड्रेस उनका साड़ी मैं हर वक्त है ना चीज़ ऐसे सही करने में लग जाती हूँ. भले ही मैं कंटेस्टेंट हूँ बट मुझे ऐसा लगता है कि सबकी सब चीज़ है ना अच्छी लगनी चाहिए. ये मेरे में एक क्वालिटी है बिकॉज मैं फैशन इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ. एंड वैसे मैं सबके साथ अच्छे से रहती हूँ. मैं जल्दी से मिलती नहीं हूँ सब लोगों में बट थोड़े टाइम में मैं तुरंत मिल जाती हूँ. फैशन इंडस्ट्री में आपको कौन सबसे ज़्यादा इंस्पायर होता है? फैशन इंडस्ट्री में ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि हर वक्त फैशन चेंज होता रहता है और फैशन आइकॉन भी हमेशा चेंज होते रहते हैं. ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं कह सकते. फैशन आइकॉन नहीं, अभी तो फिलहाल कोई भी नहीं है. पहले कोई था? ऐसे स्पेसिफिक नहीं था. सोनम कपूर मेरा फैशन आइकॉन थी बट उसके साथ में नई नई लड़कियाँ आती है नए नए लोग आते हैं तो फैशन चेंज होता है. मतलब फैशन जो भी है ट्रेंड चेंज होता रहता है. तो ऐसे कोई पर्टिकुलर मैं बता नहीं सकती हूँ क्योंकि आज हम एक हमारी जनरेशन ऐसी है कि आज हम लोग उर्फी जावेद को भी फैशन आइकॉन बना लेते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. वो भी थोड़े टाइम रहेगी उसके बाद में चेंज होते रहेगा. लोग उससे बोर हो जाएंगे. बाद में कोई और नया आ जाएगा तो उसके पीछे लग जाएंगे. थैंक यू. जैसे तुम फैशन डिज़ाइनिंग में ये सब करती हो तो तुम इन सब 12 लड़कियों में से खुद 13 में से जो लड़कियाँ हैं उन सब में तुम खुद को कितना रेट करोगी? मैं खुद को अगर मैंने ही ड्रेस मेरा मैंने ही डिज़ाइन किया है तो मैं अगर मेरे स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मैं 10 out of 10 दे दूँगी मुझको. क्योंकि अगर मैं ही मेरे ड्रेस में कॉन्फिडेंस नहीं रह जाऊँगी तो मैं जिसको ड्रेस पहनाती हूँ वो कैसे मेरे ड्रेसेस में कॉन्फिडेंस रहेंगे. थैंक यू. हेलो. हेलो सर. आपके वीकनेसेस बताओ. वीकनेस तो कोई है ही नहीं. सबको कोई ना कोई वीकनेस है या फिर वीक पॉइंट रहता है. हाँ. तो आपका ऐसा क्या वीक पॉइंट है कि आपको लगता है कि नहीं यार मेरे में ये चीज़ और अच्छी बेटर होनी चाहिए? अगर मैं
चाहती हूँ किसी भी चीज़ में, अगर पेशेंट भी हो या फिर ज़िंदगी में भी अगर कोई भी चीज़ हो, लाइफ में कोई ऐसा वक्त आया हो कि तब मुझे नर्वस फील करता है तो तब मैं रोने लगती हूँ। आज आप नहीं जीते तो रो रहे हैं। और गुड क्वालिटीज़ क्या? गुड क्वालिटीज़ तो बहुत सारी हैं, जैसे कि मैं लोगों में ज़्यादा घुल मिल जाती हूँ जल्दी और लोग मुझे घुलते नहीं फिर। आपको आज जर तू इथे जिंकलीस तर त्याचा उपयोग कसा करशील? मी जर जिंकले तर ऑब्व्हियसली चांगलंच वाटतं, जिंकणाऱ्याला तर आनंदच होतो, हरणाऱ्याला थोडंसं नर्वस, कितीही आम्ही बोललो की नाही ठीक आहे पण नर्वस वाटतं, बट जिंकल्यानंतर पुढचा लाईफमध्ये येणारा पेजंट असेल किंवा काहीही एखादा क्षण तो तितक्याच जोमाने आम्ही जगतो किंवा पुढचा पेजंट आलं तर मग तेवढ्याच उत्साहाने करणार। हाय रानी। हॅलो मॅम, मला सांग सोशल मीडिया तुझ्या मते योग्य मार्गाने जात आहे की चुकीच्या मार्गाने आणि का? मॅम सो सॉरी, मुझे मराठी नहीं आती। अच्छा, सोशल मीडिया जो है yes. वो अभी जैसे आगे बढ़ रही है yes. वो रॉन्ग वे से जा रही है या राइट वे से जा रही है? अगर रॉन्ग वे से जा रही है तो क्यों जा रही है और राइट वे से जा रही है तो क्यों जा रही है? थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन मैम। मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया रॉन्ग वे में से भी जा रही है एंड राइट वे में से भी जा रही है। रॉन्ग वे में इसीलिए जा रही है क्योंकि बहुत सारे लोग उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। लाइक अगर कोई हम पिक्चर अपलोड कर रहे हैं कोई सोशल मीडिया पे तो हमें बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, तो हम सबको वो सब चीज़ फेस करना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड दिस टेक्नोलॉजी। बट इसके साथ साथ इसकी गुड क्वालिटी ये भी है कि सोशल मीडिया की वजह से हम हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव करते हैं। हम अगर इफ़ किसी का कुछ रहता है सो हम उसे ऑनलाइन कर सकते हैं, हम स्टडीज़ चल रही है सो ये सब चीज़ बहुत दिन ब दिन इम्प्रूव होती जा रही है, तो उसके गुड इफेक्ट्स भी हैं और उसके बैड इफेक्ट्स भी हैं। यस, अजून एक क्वेश्चन विचारते। यस मैम, जर तुला एक दिवसासाठी मुख्यमंत्री बनवलं तर तू त्या एक दिवसामध्ये काय चेंज करशील? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन मैम। अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाया तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, पर मुझे एक दिन के लिए बनाया तो मैं चाहूँगी कि मैं लोगों की सोच बदलना चाहूँगी। सबसे पहले मैं ये चाहूँगी कि लोग ये सोचें कि लड़का हो या लड़की हो, अमीर हो या गरीब हो, किसी का कास्ट किसी का जेंडर ये मैटर नहीं करता है, मेन मैटर करता है जो हमारी इनसाइड की ब्यूटी है। तो मैं यही करना चाहूँगी कि मैं लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में जितना हो सके उतना स्प्रेड करूँगी ये चीज। ओके, व्हाट इज द बेस्ट क्वालिटी जो तुम्हारे में है उन लोग में नहीं है बाकी लड़कियों में? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन मैम। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ये बेस्ट क्वालिटी वो है मेरे डिटर्मिनेशन। जितनी हिम्मत मैं जीतने की रखती हूँ उतनी ही हारने की भी, और अगर आज मैं यहाँ हार के जाती हूँ तो ऑब्वियसली मैं कुछ जीत के जाऊँगी क्योंकि मैंने अपने आप को यहाँ 100% दिया है। और अगर मैं आज यहाँ हारती भी हूँ तो मैं उससे कुछ सीखूँगी और मैं हार के भी वो लड़कियों को इंस्पायर करूँगी जो सोचती है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है, और इसीलिए मैं हार के भी जीत के जाऊँगी। थैंक यू मैम। आल्सो एक लास्ट क्वेश्चन, इन केस इमेजिन अगर आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, ठीक है yes. तो ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं जो आप चेंज करोगे? लाइक इन इंडिया राइट? ऑब्वियसली इन इंडिया। थैंक यू सर।
कोई भी ऐसे थ्री चीजेस है तो मैं वही चेंज करूंगी। सबसे पहले मैं लोगों की सोच बदलूंगी, ये मेरा फर्स्ट वे रहेगा। सेकंड मेरा ये रहेगा, चीज बतानी है जो आप प्रैक्टिकली मतलब एग्जीक्यूट करोगे, कुछ तो करोगे। ओके ओके, तो मैं फर्स्ट ये करूंगी कि मैं चाहूंगी कि सोशल मीडिया जो है वो ऐसा हो कि लोग बहुत कम यूज करें, उसकी कोई टाइम की लिमिट हो, बिकॉज ऐसा हो रहा है कि बहुत लोग ज़्यादा सोशल मीडिया को दे रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में नहीं दे रहे हैं। तो मेरा फर्स्ट चीज़ ये होगा। सेकंड मेरा ये होगा कि हमारी जो इंडिया की करेंसी है वो बहुत कम वैल्यू की है, जैसे आप बाहर की देखते तो यहाँ पे आके इंडिया में वो लो हाई में रहती है। तो मैं चाहती हूँ कि इंडिया की भी वैल्यू बाहर जाके हाई में रहे, लो में ना रहे। उसके लिए हमें इंडियन प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। यस यस, हम पे ही डिपेंड करते हैं। यस सर, यस। एंड थर्ड चीज, एंड थर्ड चीज मेरे लिए ये रहेगी कि थर्ड थिंग विल बी ये रहेगी कि मैं चाहती हूँ, टू बी हॉनेस्ट, जैसे गर्ल्स के शो रखते हैं मिस्टर एंड मिसेस, राइट, एंड मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आज भी इतने इम्प्रूवमेंट के बाद भी बहुत कम राइट्स मिलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, उनकी इतनी कम्युनिटी होनी चाहिए कि जितनी इतने पॉपुलेशन होने चाहिए कि जितने मैन के हैं या जितने वुमेन्स के हैं उतने ही उनके हो। तो मैं ये क्रिएट करना चाहूँगी कि उनकी कम्युनिटी मैं एज ए प्राइम मिनिस्टर स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ, टू बी हॉनेस्ट। सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। सुखापुर फेस्टिवल में अनैया पिंगले, कम ऑन स्टेज। डांस करण्यासाठी कोणी मोटिवेट केलं? पेरेंट्स। पेरेंट्स, ओके। कच्चा बदाम वाला स्टेप करेगी? कोणता? कच्चा बदामची जी स्टेप केलेलीस ना मगाशी, तू डान्स केलेलास, ती परत करून दाखव सगळ्यांना। म्युझिक, म्युझिक त्यांनी लावलं तर तुझी मम्मी कुठे आहे? आमच्यासाठी आहे ना सध्या खूप टफ होत आहे, तर आम्ही कंटेस्टंटमधून आहे ना टॉप 5 काढतो आहे। ओके, सध्या तुम्ही एक्झिट केली तरी पण चालेल, टॉप 5 जे आम्ही कंटेस्टंट नंबर अनाऊन्स करू ते इथे स्टेजवर या, देन एक कॉमन क्वेश्चन असेल किंवा वेगवेगळे पण क्वेश्चन आम्ही विचारू शकतो, देन आपण रिझल्ट डिक्लेअर करूया। ओके, आता तुम्ही एक्झिट घेतली तरी पण चालेल। Sound the mandala, sound the mandala.
बड़ी बुम्बार By the way, congratulations, top 5 here. Thank you. So, आपका biggest fear क्या है? Biggest fear मेरा आज मैं यहाँ शो हार के जाऊँगी, वो मुझे सबसे बहुत मतलब आज को मुझे डर लग रहा है कि मैं हार के ना जाऊँ. हार में ही जीत है बट फिर भी मुझे हारना नहीं है. वो ठीक है, लाइक बेसिकली जस्ट बॉडी के शो नहीं होता. नॉर्मली आपका बिगेस्ट फियर क्या है इन जनरल लाइफ में? बिगेस्ट फियर मेरा एक ही है कि मेरे मॉम डैड जो है मुझे अभी भी सपोर्ट कर रहे, वो मतलब मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए कभी भी मेरे लाइफ में. वैसे ही मुझे सपोर्ट करते रहने चाहिए किसी और के सुनने पे, कोई और कुछ बोल रहा है उनको आके कि ये नहीं, ये सही नहीं है, लड़कियों का सब बाहर भेजना, ये वो, तो उनका सुन के मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करना बंद कर दे और मुझे ये सब करना बंद कर दे, ये मुझे सबसे बड़ा डर है. क्योंकि मुझे इसमें ये फील्ड में आगे करियर करना है, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने ऐसे डिमोटिवेट किया है कि तेरी हाइट छोटी है, ऐसे वैसे तू नहीं कर सकती है सब. तो मुझे उनको ये करके दिखाना है कि हाइट छोटी होती है, किसी का कलर ये होता है, किसी से कुछ मैटर नहीं पड़ता है. हर एक के अंदर टैलेंट होना चाहिए, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए. आप ये हैंडल कर पाओगे अगर आप आगे फेल भी होते हो या जैसे भी आगे जाते हो, हैंडल कैसे कर पाओगे ये सिचुएशन? कुछ नहीं, मैं बोलते ना हार की मतलब हारने से ही जीतते हम लोग. यशाची पहिली पायरी ही हारणे आहे, त्यामुळे मी नेक्स्ट स्टेजची तयारी करेन की मी बेस्ट कसं करेन, माझं काय चुकलं काय नाही मी ते इम्प्रूव्हमेंट करेन. ओके नाइस, थैंक यू. थैंक यू. 7 नंबर. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सर.
आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क क्या था अभी तक? ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन सर. मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क है मेरे डैड को भुलाना. आज मैं यहाँ पे स्टेज पे खड़ी हूँ, मैं प्राउडली स्माइल कर रही हूँ, बट मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क यही है कि मुझे मेरे डैड को भुलाना, क्योंकि एक लड़की की लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है. अगर आपकी लाइफ में पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है तो स्टिल आपको कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपके साथ रहे. उसका मतलब ये नहीं है कि आप हार्डवर्किंग ना हो, आप हार्डवर्किंग होना चाहिए, बट किसी ना किसी का सपोर्ट होना चाहिए. और आज डैड का सपोर्ट नहीं है, किसी का साथ नहीं है, तो ऐसा मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का सबसे मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट वही है कि मेरे डैड को भुलाना. आज बैक स्टेज भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था फ्रंट पे आके सब लोगों के सामने स्माइल करना, क्योंकि आंसू रुकते हैं नहीं है कभी, हम कितना भी ट्राई कर ले वो कभी नहीं रुकते हैं. सो मैंने बहुत ट्राई किया और मैंने ये सोचा कि अगर मैं आज रोऊंगी स्टेज के सामने तो कल मैं हार जाऊंगी. सो इसलिए मैंने अपने आंसू को रुका कर मैंने ये सोचा कि जो मेरी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है मेरे डैड को भुलाना, अगर मैं वही डिफिकल्ट पार्ट को लेकर अपनी लाइफ में गिव अप कर दूंगी तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी. इसलिए मुझे मेरे वो डिफिकल्ट पार्ट को ओवरकम करना, बट स्टिल वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट है अभी भी. जब तक मैं इस लाइफ में ज़िंदा हूँ, मेरे मरने तक मेरे लिए वो डिफिकल्ट पार्ट है. बट हाँ, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अपने ड्रीम्स को अचीव करूँगी, भले ही वो मेरे लिए डिफिकल्ट पार्ट क्यों ना हो, बट वो मेरी कमज़ोरी नहीं बनेगी. थैंक यू. आपने कभी गिव अप किया? जी नहीं, मैंने लाइफ में कभी गिव अप नहीं किया. हाँ, बहुत से ऐसे टाइम आया है, इवन मैं बहुत सारे शो विन हुई हूँ. जब क्राउनिंग मोमेंट होती है तो वहाँ पे लोग चेयर अप करते हैं कि उनकी फैमिली मेंबर्स में से कोई आएगा, बट स्टिल वहाँ पे मेरा कोई नहीं होता है. मुझे बहुत से लोगों ने बोला, जब फैमिली का सपोर्ट नहीं हो तो स्टेज पे जाना क्यों है. मैंने बोला नहीं, ये मेरा ड्रीम्स है, अगर मैं आज इस ड्रीम्स को पूरा नहीं करूँगी कल को मुझे रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, और मैं ये सोचूंगी कि मेरे को वक्त था और मैंने मेरे सपने पूरे नहीं किए. सो मुझे ऐसा लगता है कि पहले सपने पूरे करना चाहिए. ओके, नाइस, थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. नेक्स्ट फोर. हेलो. हाय. वैसे आपके लाइफ का सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट क्या है? मैं फर्स्ट टाइम मैंने पेजेंट में पार्टिसिपेट किया था, तब मुझे बेस्ट स्माइल मिला था. तो मुझे एक्चुअली मैं जीतने के लिए गई थी वहाँ पे, पर मुझे सबटाइटल मिला, तब मैं थोड़ी नर्वस हो गई थी कि फर्स्ट टाइम था और कुछ ऐसा कुछ मिला. बट उससे मैं ज़्यादा मोटिवेट हो गई कि नेक्स्ट टाइम कुछ इससे बेटर करना है. एटलीस्ट रनर अप तो मिलना ही चाहिए, विनर के हिसाब से जाते हैं हम लोग, बट एटलीस्ट रनर अप. उसके बाद मैं शो विन भी हो गई, रनर अप भी मिले, बहुत सारे शोज किए मैंने. सो आज आपको रनर अप रहना है, विनर होना है आज. और लाइफ में ऐसे टफ मोमेंट्स आते हैं तो आप क्या करते हो? मैं मेरे मम्मी पापा का चेहरा याद करती हूँ और मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, आगे बढ़ जाती हूँ. अच्छा, तो आप स्माइल करके मूव ऑन? यस, क्योंकि वो मेरी स्ट्रेंथ है और वीकनेस भी मेरी वही है. ओके, यस. और कुछ है स्पेशल आपके बारे में जो आप सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करते हो? स्टैंड आउट लाइक घर में कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, तो मैं घर में बड़ी हूँ, मेरे दो छोटे भाई बहन हैं, मम्मी पापा, हम पांच जन हैं फैमिली में. कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मेरे पापा और मम्मी मुझे एक लड़के की तरह ट्रीट करते हैं. लाइक मैं सारे प्रॉब्लम्स हैंडल कर लेती हूँ, कोई भी नहीं करता घर में, तो मेरे मम्मी पापा मुझे एक लड़के की जगह देती है घर में, तो वो मुझे बहुत प्राउड लगता है. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. थैंक यू. या 11 नंबर. हेलो. हेलो. व्हाई डू यू वांट टू बी अ मॉडल? मॉडल बिकॉज़ मेरे पापा, एक तो मेरे पापा से मैं इंस्पायर हुई हूँ, उन्हीं से मुझे ये फैशन डिजाइनिंग का भूत सवार हो चुका था. उसके बाद में मैं शोज करने लगी तो मुझे उसमें कॉन्फिडेंस आने लगा, तो कॉन्फिडेंस से मैं ही यहाँ पे हूँ. अभी मैंने बहुत टाइम के बाद ये शो किया है, पर मैं देखना चाहती थी कि अभी भी मेरे में वही कॉन्फिडेंस है या मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो चुका है. इसके लिए क्या लगता है, आपका कॉन्फिडेंस अभी हाई या लो है? इन द मिडल है.
बट मैं खुद को कॉन्फिडेंस रखने की पूरी कोशिश करती हूँ. मैं सबसे ऊपर हूँ ये नहीं मैं बोल सकती हूँ, ना मैं सबसे नीचे हूँ ये भी नहीं मैं जानती हूँ. मैं सबसे रब को सबसे सबको साथ में लेके मैं चलना चाहती हूँ. थैंक यू. ओके, और मॉडलिंग के लिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मतलब आप क्या सोचते हैं, मॉडलिंग का करियर अच्छा बिल्ड हो रहा है इंडिया में या नहीं? यस, मॉडलिंग का करियर अच्छा बिल्ड हो रहा है. और ऊपर कोई एग्जांपल दे सकते हो? यस, अपना जो शो चलता है इंडियाज नेक्स्ट सुपर मॉडल, उसमें हर तरह की लड़कियां को लेते हैं. ऐसा नहीं देखते हैं कि इसकी हाइट छोटी है या मोटी है या काली है या गोरी है. अपने इंडिया में सिर्फ यही है कि सिर्फ गोरा है तो ये खूबसूरत है, बट ऐसा नहीं है. हर इसमें मतलब अंदर की सुंदरता पहले देखी जाती है, ना कि पहले बाहर की देखी जाती है. थैंक यू. ओके, थैंक यू. या 13 थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन मैम. मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए मनी एंड रिस्पेक्ट दोनों इम्पॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मैं देती हूँ रिस्पेक्ट को. क्योंकि पैसे तो हर कोई कमा लेता है, बट जो रिस्पेक्ट होती है वो कोई जल्दी नहीं कमा पाता. और पैसे चले जाए तो वो वापस आ जाते हैं, पर हमारी रिस्पेक्ट कभी वापस नहीं आती. तो मुझे ऐसा लगता है मैं दोनों में से रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देती हूँ, मैं रिस्पेक्ट चूज करती हूँ. आगे के 5 साल में तुम खुद को कहाँ देखती हो? थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन मैम. अगेन, मैं आने के 5 साल में अपने आप को एज अ फैशन शो कोरियोग्राफर और फैशन शो दूसरों को इंस्पायर करने वाली एक रोल मॉडल अपने आप को दिखाई देती हूँ. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस शो के आगे जाने के बाद और बहुत कुछ अचीव करूँगी मेरी लाइफ में. तो यस मैम, मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होके मैं अपने आप को एज अ फैशन कोरियोग्राफर और एज अ ये भी हो सकता है कि आज मैं मिस सुखापुर जीतती हूँ. अगर मैं जीतती हूँ, अगर मैं हार भी जाऊँ तो भी कोई बात नहीं, पर अगर मैं जीतती हूँ तो मैं ये शो को आगे लेकर उससे कुछ सीखूंगी और आगे जाके मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए भी अपने आप को देखती हूँ, क्योंकि वो मेरा बहुत बड़ा सपना है. लाइफ में तुम और क्या क्या अचीव करना चाहती हो? थैंक यू सो मच मैम. लाइफ में सबसे पहले मैं ये अचीव करना चाहती हूँ कि मेरे जो माँ बाप है वो मेरे ऊपर बहुत काफ़ी ज़्यादा प्राउड रहे. ये मैं अचीव करना चाहती हूँ. और मैं चाहती हूँ कि दुनिया की सारी खुशियाँ, जितनी भी खुशियाँ हैं, वो मेरे माँ बाप को मिले. ये मेरा सबसे बड़ा अचीव होगा अगर ये हुआ तो. ओके, गुड, थैंक यू सो मच. बैक स्टेजला जे बाकीचे कंटेस्टंट आहेत त्यांनी स्टेजवर या प्लीज. Music.
वेळ काढून आल्याबद्दल तुमचं सगळ्यांचं मनापासून आभार. आणि ज्यांनी ही व्यवस्था आमच्या स्पेशली आमच्या मुलींसाठी, जे आम्ही टीनेजर्स आहोत आणि हे खूप रिस्कचं काम असतं बघायला गेलं तर, कारण का मुली सगळ्या मुडी असतात, तर त्यांना त्या पद्धतीने सांभाळणं, त्यांची केअर करणं, खाण्यापिण्याची व्यवस्था करणं, आम्हाला हवा तसं स्टेज उपलब्ध करून देणं आणि वेळेमध्ये सगळ्या सोयी ज्या सोयी सुविधा असतात त्या उपलब्ध करून दिल्याबद्दल धन्यवाद. आणि मिस सुखापूर हा जो आम्हाला टायटल आणि हा जो शो आम्हाला मिळालेला आहे, तर ही एक संधी आहे आमच्या प्रत्येक मुलीसाठी स्वतःला प्रूव्ह करून दाखवायची. तर यस, तुमचा सगळ्यांचा मनापासून आभार. आणि ही जी काही सगळी व्यवस्था केली आहे तर सर खरंच सगळ्यांचा मनापासून आभार. थँक्यू सो मच. All contestants in the different ways. ॲडव्होकेट चेतन केनी ऑर्गनायझर यांना विनंती आहे की आम्ही व्यासपीठावर या. सौ ईश्वरीताई केनी यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर लवकर यायचं आहे. विनाताई भोपी, विश्वनाथजी भोपी यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर यायचं. पंडसेट केनी आमचे मार्गदर्शक यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर यायचंय. आज बंधुनो याही स्माईल करतात, आपणही स्माईल केलं पाहिजे. स्माईल करण्यासाठी आपण सगळे जगतोय. जीवनात आनंद आणि हसणं हेच महत्वाचं आहे. जजेस मेहताजी, पूजा मॅडम आणि या सर्व जजेसने खूप चांगल्या पद्धतीनं या ठिकाणी जज केलं, त्याबद्दल पहिल्यांदा आम्ही या जजेसचं अभिनंदन करतोय. आणि मी विनंती करेन जजेसना की आपण विनर्स डिक्लेअर करावेत. ॲडव्होकेट चेतनजी केनी, ईश्वरीताईजी केनी, मीनाजी भोपी, विश्वनाथजी भोपी यांनी आपण पुढे यायचं आहे. सबटायटल्स पहिले अनाऊन्स करते. बेस्ट स्माईल जाते कंटेस्टंट नंबर 5. मी ईश्वरीताई केनी यांना विनंती करतो की आपण बेस्ट स्माईलसाठी सुकापन फेस्टिवल बेस्ट स्माईल प्राईज काय वाजून आपण सत्कार करायचा. बेस्ट हेअर आहे कंटेस्टंट नंबर 9. सो विनाताई भोपे मॅडम यांना विनंती आहे की आपण प्राईज डिस्ट्रीब्यूट करावा.
कॉन्ग्रेचुलेशन. बेस्ट फ्रेश फेस कंटेस्टेंट नंबर वन चेतन जी की नहीं संयोजक याला विनंती है कि अपन विनाश ना अपन बेस्ट एंड फ्रेश बेस्ट वॉक कंटेस्टेंट नंबर टू थोड़ा कैमरा खुड़ेगे स्टॉप कर लगे खुड़ेगे बेस्ट वॉक विनर कंटेस्टेंट नंबर टू विश्वनाथ जी भूपियाना विनंती करते कि अपन ऑनर करावा. बेस्ट वॉक प्राइज इन सुखापुर फेस्टिवल. बेस्ट कॉस्ट्यूम कंटेस्टेंट नंबर एट. बेस्ट कॉस्ट्यूम प्राइज ईश्वरीताई केनियाला विनंती करतो की आपण बेस्ट कॉस्ट्यूम प्राइज द्यावा. सुखापूर फेस्टिवल बस कॉस्ट्यूम प्राइज देत आहेत ईश्वरीताई केनी. बेस्ट ॲटिट्यूड कंटेस्टंट नंबर थ्री. बेस्ट ॲटिट्यूड विनर यांना विनिंग देत आहेत माननीय विनाताई भोपी. ॲटिट्यूड हे आयुष्यात महत्त्वाचं असतं. हाऊ टू बिहेव हाऊ टू वर्क. थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन. बेस्ट पर्सनालिटी कंटेस्टेंट नंबर 11. बेस्ट पर्सनालिटी इन सुखापुर फेस्टिवल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विश्वनाथ जी भूपी. बेस्ट पर्सनालिटी इन सुखापुर फेस्टिवल कॉन्ग्रेचुलेशन. सेकेंड रनर अप अनाउंस करते मिस सुखापुर 2023 सेकेंड रनर अप कंटेस्टेंट नंबर 4. माननीय विश्वनाथ जी भोपे यांच्या हस्ते विनाताई भोपे आणि विश्वनाथ जी भोपे यांनी त्यांना बेस्ट रनर अप प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करावा. पाय बाजून आपण सर्वांनी अभिनंदन करायचं. मिस सुखापूर 2023 फर्स्ट रनर अप कंटेस्टेंट नंबर 7. फर्स्ट रनर अप प्राइज दिलं जात आहे माननीय ईश्वरीताई केनी यांच्या वतीनं. शिव चेतनजी केनी यांना विनंती आहे की आपण ईश्वरीताई केनी आणि चेतनजी केनी यांच्या वतीनं फर्स्ट रनर अप हे प्राइज दिलं जातं. मिस सुखापूर 2023 विनर इज कंटेस्टेंट नंबर 13. पांडू सेठ केनी यांना विनंती आहे की आपण स्टेजवर यायचंय. मिस सुखापूर फेस्टिवल 2023
माननीय वंदना दाई केनी यांनाही विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. पांडुसेठ केनी आणि वंदना दाई केनी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही सगळी टीम सुखापूर फेस्टिवल सादर करतो आहे. एक कर्तृत्ववान महिला म्हणून वंदनीताई वंदनाताई केनी आणि पांडुसेठ केनी यांना विनंती करतो की सुखापूर फेस्टिवल 2023 हा सन्मान आपण त्यांना द्यावा. आणि ईश्वरीताई केनी यांना विनंती करतो की तिचा आपण या ठिकाणी सुखापूर फेस्टिवल 2023 तिला सन्मानित करावं. हे आपल्यातली चिमुरडी उद्याचं लोन मिस युनिवर्स बनेल, मिस इंडिया बनेल. तिच्यात बोल्डनेस आहे, छोटी असताना सुद्धा तिच्यामध्ये डेअरिंग आहे, हे आपण पाहिलेलं आहे. जेजेस मॅडम, पूजा मॅडम, मेहताजी, की या ठिकाणी सुखापूरमध्ये येणारा प्रत्येक जण काही ना काही घेऊन जात असतो. ही देणारी भूमी आहे, या मातीतून लोकांना द्यायची सवय आहे, आशीर्वाद द्यायची सवय आहे. तसं तुमच्याकडे लक्ष्मी आली पाहिजे. तुम्ही सगळ्या भारत मातेच्या सुपुत्र आहात आणि म्हणून पांडुसेठ केनी विश्वनाथजी भोपी यांच्या वतीनं प्रत्येक कंटेस्टंटना मी त्यांना विनंती करतोय की आपण या ठिकाणच्या कंटेस्टंट नंबर 6 आणि 12 त्यांना आपण गिफ्ट देऊया. त्यांनी पुढे या. पांडुसेठ केनी यांना विनंती करतो की आपण नंबर 10 या दोन विजेत्यांना आपण सन्मानित करतो. पुढचा प्राईज द्या. मी पांडुसेठ केनी यांना विनंती करतो की त्याने हे प्राईज द्यायचं विश्वनाथ भोपे यांच्या हस्ते. खरं तर बंधूंनो आपण थांबावं की फक्त 5 मिनटं. हे जजेस आहेत, हे महाराष्ट्रातील नामवंत जजेस आहेत, यांनी खूप मेहनत घेतलेली आहे. मी बघत होतो त्यांना असा होता, मी तासभर बसून बाजूला बघत होतो की निवड कशी करायची. ही त्यांची मोठी परीक्षा आहे आणि सर्वत्र एकदम क्वालिटीचे लोक आहेत, पण त्यांची निवड करत असताना न्याय कसा दिला पाहिजे या बाबतीमध्ये त्या तिघांनी बसून एकमत केलं. दोघांचं एकमत होतं तसं तिघांचं एकमत ते तिघांनी केलं. त्या जजेसना आम्ही ऑनर करतो आहे. पहिल्यांदा पूजा मॅडम तर सत्कार आम्ही सुखापूर फेस्टिवलच्या वतीनं करतो आहे. ईश्वरीताई केनी यांना विनंती करतो की आमच्या पूजा मॅडम आपल्या ज्या जजेस आहेत त्यांना या ठिकाणी गिफ्ट देऊन सन्मानित करावं. यानंतर दुसऱ्या जजेस ओजेस मॅडम यांचा सत्कार करतील विनाची भोपे मॅडम. त्यांना विनंती करतो की आपण त्यांना सन्मानित करावं गिफ्ट आणि प्रेझेंट देऊन. आणि विनाताई भोपे त्यांना सुखापूर फेस्टिवलच्या वतीनं गिफ्ट देऊन सन्मानित करतायत. यानंतर आमचे लाडके मेहताजी
अत्यंत प्रसन्न चेहऱ्याचे इतकं चांगलं काम करणारे त्यांचा सत्कार अलोकेट चेतनजी केनी आणि ईश्वरीताई केनी यांना विनंती करतो की आपण मेहताजींचा सत्कार आणि सन्मान करावा. परत एकदा सर्व सहभागी झालेल्या कंटेस्टंटचं आम्ही या ठिकाणी अभिनंदन करतोय, स्वागत करतोय. पुढच्याही वर्षी आपण ज्यांना बक्षीस मिळालं असेल त्यांनी, नसेल त्यांनी सुद्धा स्वतःपूर फेस्टिवलमध्ये